है गाइस, वेलकम टू ऑनली सिविल्स को। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब सभी अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, आईआर का अपडेट सेकंड है ये, यानी कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पीटी 365 का अपडेट सेकंड है, जो आपका मई और जून कवर करे हुए हैं। मई और जून को कवर किया दोस्तों इसने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सुनाओ, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात, इंडिया पैलेस्टीन पॉलिसी क्या है। देखो इसमें डायरेक्ट आईआर तो वैसे मोस्ट ऑफ दैट की मेंस में पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लोकेशंस हैं लाइक गाजा स्ट्रिप है, पलस्टीनियन क्या कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक एरिया है, वगैरह वगैरह। वैसे हमने इस पर मैप में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैपिंग के वीडियो जाके आप देख सकते हो, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को प्लेस इन न्यूजेज के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, देखो इंडिया का पलस्टीन पॉलिसी देखते हैं क्या है। रिसेंटली वायलेंस हुआ है, क्लैशेज हुआ है इसराइल और पलस्टीन के बीच में। गाजा स्ट्रिप था विच हैव एंडेड विद इसराइल एंड हमास एग्रीइंग टू इजिप्ट। इसमें इजिप्ट ने मीडिएट किया सीज फायर, इजिप्ट ने मीडिएट किया और इसराइल हमास का जो एग्रीमेंट हो गया है बिकॉज स्टॉप गाजा स्ट्रिप दैट विल बी कंप्लीट। ठीक है, अब समझो ब्रीफ हिस्ट्री समझो इसराइल और पलस्टीन का कन्फ्लिक्ट की है क्या, अब समझो। देखो सबसे पहले बात करते हैं राइज लेट 19 सेंचुरी की, यानी कि बात करें लेट 19 सेंचुरी की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये था राइज ऑफ उसमें नेशनलिज्म का राइज हो रहा था, नेशनलिज्म उठ रहा था और जियोनिज्म अक्रॉस द ग्लोब, उसमें जियोनिज्म पूरा एक्रॉस में था, माइग्रेशन टू पलस्टीन और माइग्रेट कर रहे थे कहाँ, पलस्टीन के लिए। ठीक है दोस्तों, 1917 में क्या हुआ यहाँ पर, ये बेलफोर डिक्लेरेशन आया 1917 में, याद रखना दोस्तों। ये पूछ सकता है यूपीएससी कि व्हाट इज बेलफोर डिक्लेरेशन, ये फॉर्म किया था, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पलस्टीन। ठीक है, बेलफोर जो डिक्लेरेशन है 1917 में आया, क्यों, इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पलस्टीनियन। उसके बाद 1917 से पहुँचे हम 1947 में, यूएन ने इंटरवीन किया, 1945 तक यूएन बन चुका था एंड फॉर्मेशन ऑफ इसराइल एंड पलस्टीन एज टू न्यू स्टेट। उन्होंने कहा भैया, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने कि भैया 1947 में दो अलग स्टेट बना लो, कौन कौन से, इसराइल और पलस्टीन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1941 और 45 की बात समझो क्या है कि होलोकास्ट हुआ, इंक्रीज डिमांड्स फॉर ए ज्यूइश स्टेट, भैया डिमांड बढ़ने लगी ज्यूइश स्टेट की, इंक्रीज हो गई। वहीं 15 मई 1948 से मार्च 10, 1949 तक पहला अरब इसराइल वॉर हुआ जिसमें इसराइल की विक्ट्री हुई, पहला अरब इसराइल वॉर हुआ जिसमें इसराइल जीता। उसके बाद 1948 की बात करें गाइस, सॉरी, इसराइल ने डिक्लेयर किया खुद को इंडिपेंडेंस कि भैया हम तो स्वतंत्र हैं, कब, 14 मई 1948 को। उसके बाद बात आती है दोस्तों 1964 में, देख लो फॉर्मेशन हुआ पीएलओ का, किसका फॉर्मेशन हुआ पीएलओ का 1964 में। उसके बाद बात आती है 1967 की, भैया 6 दिन वॉर चला 1967 में, जो इम्पोर्टेंट है, इसराइल ने ऑक्यूपाई किया पलस्तीन के कुछ लैंड एरियाज को, लाइक कौन कौन से, 1960 में उन्होंने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को घेर लिया। मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ये न्यूज़ में नीचे है गाजा स्ट्रिप, और देखो दिखाई देता हूँ 1960 में, देखो ये दिस इज़ वेस्ट बैंक, दिस इज़ वेस्ट बैंक और दिस इज़ गाजा स्ट्रिप और दिस इज़ इसराइल, ये इसराइल का एरिया है, ये सीरिया है, ये गोलन हाइट भी इसी का पार्ट है जो सीरिया का हुआ करता था बट इसराइल के पास है। तो इस समय गाजा स्ट्रिप ये और इसराइल ने वेस्ट बैंक को पलस्टीन से ले लिया, पलस्टीन से वेस्ट बैंक, और इसको 1967 में क्या किया, कब्जा कर लिया। ताकतवर आदमी है भाई, कुछ भी कर सकता है। अब उसके बाद 1987 और 1993 की, 1987-93 की बात, पहला इंटीफादा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हमास, यानी कि हमास कब बना, 1987 और 1993 के बीच हमास क्रिएट हुए, अराज हुए, फॉर्म हुए। उसके बाद आया दोस्तों ओस्लो अकॉर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओस्लो अकॉर्ड और ये 1967 का वॉर और बेलफोर डिक्लेरेशन, इसको प्लीज़ देख के जाइएगा दोस्तों एक बार। 1993 का आया ओस्लो अकॉर्ड, आया ओस्लो अकॉर्ड ने क्या कहा कि इट रिजल्टिंग इन द एसेसिनेशन ऑफ इसराइल पीएम बाई इसराइली अल्ट्रा नेशनलिस्ट इन 1995। भैया उन्होंने क्या किया, ओस्लो अकॉर्ड आया 1993 में बट रिजल्ट क्या हुआ, 1995 में उन्होंने इसराइली पीएम की असेसिनेट कर दिया, भैया मरवा दिया। ठीक है, किसने, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, 1995 में डेथ हो गई। उसके बाद 2005 में क्या हुआ, इसराइल जो है सेकेंड इंटिफेडा में फंस गया और इसराइल ने क्या किया 2005 से 2005 तक गाजा को छोड़ दिया इसराइल ने बट हमास ने उस पर कंट्रोल कर लिया। जो हमास थे एंटी नेशनलिस्ट थे, जो जो अगर कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया,
गाजा को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी गाजा अब 2000 से 2005 में किसके कब्जे में आ गया, हमास के कब्जे में। ये थी ब्रीफ हिस्ट्री इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की। ये मेडिटेरेनियन सी है, गाजा स्ट्रिप इधर खुलता है और लेबनान का जो वेस्ट एरिया है वो इसराइल मेडिटेरेनियन सी में ओपन हुआ आउट होता है। ये सीरिया दोस्तों, ये जॉर्डन रिवर है, अब ये डेड सी है, ये जेरूशलम है, ये वेस्ट बैंक का पार्ट है, ये जॉर्डन है और ये पैलेस्टीन है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये अरबान वैली है, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है, पूरा मैप समझ गए होंगे। देखो इंडिया का जो इसराइल पैलेस्टीन पॉलिसी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इट अगेंस्ट, इंडिया ने वोट किया अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इसराइल 1947 में, कि हिस्टोरिक पैलेस्टीन 1947, कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, अपोज द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन, उन्होंने अपोज किया पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन, क्या इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया किसके, इसराइल के क्रिएशन के। ठीक है, कोल्ड वॉर फेस कब शुरू होता है ये याद रख लो, इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया। कोल्ड वॉर पीरियड की बात करें, इंडिया रिमेन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन, कब, ऑफ पैलेस्टीन फ्रीडम, इंडिया जो था रिमेन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन फ्रीडम, इंडिया जो था कोल्ड वॉर के टाइम पे पैलेस्टीन की फ्रीडम का बहुत बड़ा समर्थक था। बाद में मोरल और लीगल पोजीशन को देखते हुए इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया इन लाइन विद द इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। व्हेन इसराइल सीज 78% टेरिटरी ड्यूरिंग द सिक्स डे वॉर ऑफ 1967, ये वॉर 6 दिन चला और उसने इसराइल ने 68% टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड कर लिया एंड क्रिएट किया एक इंडिपेंडेंट, क्या, सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट, किसके बेस पर, 1967 के बॉर्डर के बेस पर, और विद ईस्ट जेरूसलम, किसके साथ, ईस्ट जेरूसलम इज़ द कैपिटल, उसकी का राजधानी क्या बनाई, ईस्ट जेरूसलम। इसराइली किसको, टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, वहीं मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस क्या है, इंडिया एस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल इन 1992, 1992 में हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, बट इंप्रूविंग इसराइल पैलेस्टीन टाइज आफ्टर द मैड्रिड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1991, टू स्टेट सॉल्यूशन वॉज एग्रीड अपॉन, दो स्टेट सॉल्यूशन एग्री हो गया मैड्रिड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1991 के अकॉर्डिंग। एंड द चेंज आया क्या ग्लोबल सिनेरियो में, डिस्टिंग्विश ऑफ द सोवियत यूनियन बट नेवर अबैंडन द पैलेस्टीन। ठीक है दोस्तों, अब देखो कंटेम्प्रेरी फेज क्या था, 2018 में इंडिया अडॉप्ट किया डी हाइफेनेशन पॉलिसी को इंडिया ने अडॉप्ट किया, विच सिंपली मीन द इंडिया रिलेशनशिप विद इसराइल वुड स्टैंड ऑन इट्स ओन मेरिट्स इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इंडियाज रिलेशनशिप विद पैलेस्टीन। इंडियन हाइफेनेशन मैरिज पॉलिसी का मतलब है कि भैया इंडिया को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आप रिलेशंस कैसे रखते हो पैलेस्टीन और उसके बेस पे, क्योंकि इंडियाज रिलेशंस विद पैलेस्टीन के बेस पे, ये इसराइल का खुद का अपना मेरिट था, इंडिपेंडेंट था, डीमेरिट था, सेपरेट रिलेशंस थी। आफ्टर मैथ कुछ देखा था तो रिसेंट वायलेंस बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन, ये जो हमास ने किया, इंडिया एट यूएन रिटायरेटेड इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द टू स्टेट सॉल्यूशन, क्योंकि अनवेवरिंग कमिटमेंट किया टू स्टेट का, इसलिए इंडिया ने किसको, पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था इंडिया, आप समझो। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या था, इसका मतलब था कि भैया इट मीन्स दैट एन इंडिपेंडेंट, क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट बनेगा एंड इंडिपेंडेंट सोवरेन इसराइली स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्रपोजल था क्रिएशन ऑफ ज्यूइश एंड अरब स्टेट का एंड ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन का, इट वॉज मेड बाई द पील कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1937, जो कि पील कमीशन रिपोर्ट आई थी 1937 में, उसका बेस था, जो प्रपोज किया कि पैलेस्टीन इज द पार्टीशन इंटू थ्री जोन, नंबर एक अरब स्टेट में, नंबर दो ज्यूइश स्टेट में, नंबर तीन न्यूट्रल टेरिटरी जो होली पैलेस के लिए कंटेन होगी। ठीक है, तो पील कमीशन ने रिपोर्ट किया 1937 में, उन्होंने कहा कि भैया जो पैलेस्टीन को सब पार्ट कर दो तीन जोन में, नंबर एक अरब होंगे एक साइड में ज्यूइश होंगे और एक साइड में वो टेरिटरी होंगी जो होली पैलेस को कंटेन करती हैं, बट ये रिफ्लेक्ट किया यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन 1947 में एंड इसको रिजेक्ट किया अरब एट दैट टाइम, उस समय अरब्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बट 1991 में क्या हुआ, टू स्टेट सॉल्यूशन ग्राउंड पे आया एंड ड्यूरिंग यूएस मीडिएटेड मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस 1991 में आया, यूएस ने इसको मीडिएट किया, बट इंडिया ने सपोर्ट किया कि द टू स्टेट सॉल्यूशन एंड एड्रेसिंग द लेजिटिमेट एस्पिरेशन ऑफ पैलेस्टीन फॉर स्टेटहुड एंड इसराइल सिक्योरिटी कंसर्न, तो इंडिया ने सपोर्ट किया कि भैया टू स्टेट सॉल्यूशंस को इंडिया ने सपोर्ट किया हमेशा से। अब देखो रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या जेरूसलम का, जेरूसलम ने कंटेन किया कुछ साइट जो स्केयर थी जुडिज्म और इस्लाम से रिलेटेड एंड क्रिश्चियनिटी, लाइक जैसे अल अक्सा मॉस्क है, ये वर्ल्ड का थर्ड होलीएस्ट साइट है इस्लाम का, अल अक्सा मॉस्क जो रामलला में है, यानी कि जो जेरूसलम में है, अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम में है, ये क्या है दोस्तों, वर्ल्ड का थर्ड होलीएस्ट साइट है, वेस्टर्न वॉल है, एक प्लेस है जो स्केट करता है क्या जुडिज्म को,
वॉस्टर्न बाल, इससे वेरी 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 प्लेस स्केट एंड वेरी वेरी होली प्लेस जुडिज्म का, चर्च ऑफ द होली स्पल्चर, होली स्पल्चर एक चर्च है, चर्च बिल्ट ऑन द ट्रेडिशनल साइट ऑफ जीसस क्रूसीफिकेशन एंड सॉरी क्रूसीफिक्शन क्रूसीफिक्शन एंड बरल इज स्केयर्ड ऑफ टू क्रिश्चियनिटी। एक चर्च है इसको बोलते हैं होली स्पल्चर, चर्च है जो कहाँ जेरूसलम में, दैट द जीसस का क्रूसीफिकेशन और बरील है उसमें जो दफनाया गया, इज स्केयर्ड टू, बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है क्रिश्चियनिटी के लिए। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है जेरूसलम का, ठीक है, जेरूसलम में। तो जेरूसलम में कुछ साइट हैं जो कंटेन करती हैं जुडिज्म से रिलेटेड है, वह है वेस्टर्न वॉल, और इस्लाम से है अल अक्सा मॉस्क, और क्रिश्चियनिटी से है चर्च ऑफ द होली स्पल्चर। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया यूके रिलेशन की बात करो, यूके इंडिया के बीच में वर्चुअली समिट हेल्ड हुआ है दोस्तों। बात करें रोड मैप तैयार किया है इन्होंने 2030 के लिए, कैसे ये एलिवेट करेंगे, बाइलेटरल टाइप कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी CSP के अकॉर्डिंग रोड मैप क्या है, इन्होंने कहा कि भैया डीप और स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट होगा ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, एंड की एरिया पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होगा ट्रेड एंड इकोनॉमी में, डिफेंस सिक्योरिटी क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्थ एंड ओवरऑल। 2004 की बात करें, इंडिया एंड यूके अपग्रेड देयर बायलेटरल रिलेशन टू दैट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब समझो रोड मैप 2030 का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली। ये कनेक्ट करेंगे कुछ कंट्रीज और पीपल्स के लिए ट्रेड प्रॉस्पेरिटी के लिए, डिफेंस सिक्योरिटी क्लाइमेट हेल्थ, स्ट्रेंथ करेंगे कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन मल्टीलेटरल फोरा इसके G20 WTO के अकॉर्डिंग, इंप्लीमेंट करेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप पॉलिसीज, एक्सप्लोर करेंगे पार्टनरशिप अराउंड द फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए भैया कौन कहाँ कैसे काम करेगा, इंप्लीमेंट करेंगे इंडिया यूके टुगेदर बोलते हैं साथ साथ इन हिंदी एक कल्चर, ऐसा कल्चर साथ साथ, ठीक है ये हो गया, नीचे भी होगा ना। उसके बाद एक्शन प्रोग्राम चलाएंगे एंड 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों। ट्रेड पॉलिसी को देखो, ये लॉन्च कर रहे हैं क्या, इन्हेंस करेंगे ट्रेड पार्टनरशिप नेगोशिएट करना कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के लिए, उसके बाद इंक्रीज करना एक्सचेंज एंड कॉपरेशन इन द सर्विस सेक्टर में, चाहे वो IT सेक्टर है, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर वगैरह में, एक्सचेंज ऑफ व्यूज एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस एंड एनकरेज करेंगे UK कंपनी इन्वेस्ट करें इंडिया में, क्या ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टू एडवांटेज ऑफ द, किसका एडवांटेज लेने के लिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम, 17 PLI स्कीम लागू की है इंडिया ने, लॉन्च किए हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी में भी सेम है, एक्सपेंड करेंगे कॉपरेशन डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में, प्रमोट करना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओपन एक्सेस के लिए, प्रमोट करना इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन साइबर स्पेस, इज इंपॉर्टेंट क्योंकि साइबर स्पेस नहीं समस्या खड़ी हो रही है, साइबर स्पेस पर अटैक चल रहा है आजकल दोस्तों, ठीक है। लॉन्च करेंगे ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एट COP26 जो ग्लासगो में होने वाला है, COP26 पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एट नेशनल लेवल एंड इंक्रीज द टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल कॉपरेशन वगैरह वगैरह, एंड इंडिया का जो विजन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इस पर भी काम करेगा यूके के साथ मिलकर इंडिया, हेल्थ में भी यूके पार्टनरशिप ऑन वैक्सीन थेराबेटिक्स वगैरह में डायग्नोस्टिक वगैरह में, एंड COVID-19 हेल्पिंग गारंटी इक्विटेबल ग्लोबल सप्लाई फॉर April 2022 तक। तो इट्स ऑल अबाउट हेल्थ एंड यूके के बीच में। अब देखो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, ये चाइना की डिप्लोमेसी है, पहले भी शायद एक बार एक वीडियो में मैंने बताया था, समझो इस समय मॉन्टीनेग्रो जो है ये स्ट्रगल कर रहा है, मॉन्टीनेग्रो एक यूरोपियन कंट्री है जो स्ट्रगल कर रहा है पे ऑफ चाइनीज लोन, यानी वो पे ऑफ कर सके चाइनीज लोन का फॉर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, वो बेचारा लगातार मेहनत कर रहा है, विच हैज पुट द कंट्री इन ए डायर फाइनेंशियल सिचुएशन, इसमें डायर फाइनेंशियल सिचुएशन है, डायर फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है। 2014 में मॉन्टीनेग्रो ने साइन किया एक एग्रीमेंट किसके साथ, चाइना के साथ, भैया चाइना की एग्जिम बैंक के साथ, कि भैया $944 मिलियन का क्या आपको एग्रीमेंट किया, लोन दे दो आप, क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करना है मोटर वे दैट वुड लिंक द पोर्ट ऑफ बार टू द बॉर्डर विद सर्बिया, कि जो इंपॉर्टेंट है वो समझो भैया, 944 मिलियन का एग्जिम बैंक है चाइना की, उससे इन्होंने लोन लिया 2014 में, और इन्होंने क्या कि भैया जो मोटर वे बनाएंगे ये पोर्ट ऑफ बार, यहाँ समझाता हूँ, पोर्ट ऑफ बार ये तो चाइना का इनिशिएटिव है, ये मॉन्टीनेग्रो कहाँ दिया है, देखो ये मॉन्टीनेग्रो यहाँ है, ये मॉन्टीनेग्रो, इन्होंने कहा भाई चाइना का सॉरी पोर्ट ऑफ बार, यहाँ एक पोर्ट है मॉन्टीनेग्रो में, पोर्ट ऑफ वॉर और बॉर्डर भी सीरिया, किसके साथ, बॉर्डर भी सीरिया के साथ, ये एक रोड बनाएंगे मोटर वे बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटली देखा जाए तो मॉन्टीनेग्रो का जो डेब्ट है अराउंड 65.9% है उसकी GDP का, ठीक है, किसके, चाइना इसमें से होल्ड कर रहा है 25 और पब्लिक, यानी कि 25% इसमें चाइना का है,
कुछ सारे अदर कंट्रीज हैं लाइक लाओस है, किर्गिस्तान, मालदीव, ईडीसी आर प्रेजेंटली फेसिंग डेब्ट डिस्ट्रेस। ये भी लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव में चल रहा है, बट दिस इज साइजेबल पोर्शन ऑफ द डेब्ट टू चाइना, ठीक है। बट दिस हैज़ रेज कंसर्न रिगार्डिंग यूज ऑफ डेब्ट ट्रैप, ये है अबाउट, क्योंकि ये डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट है। 2018 की रिपोर्ट की बात करें, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इन्होंने हाईलाइट किया कि भैया जो 8 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, कौन सा 8 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखो चाइना पे क्वेश्चन 100% बनना है, चाहे वो BRI से हो, चाहे वो सिल्क रोड से हो, चाहे वो अदर इकोनॉमिक या मैरिटाइम एक्टिविटी से हो। सो प्लीज़ चाइना के जितने भी इनिशिएटिव हैं, एक क्वेश्चन मैं श्योर हूँ 100% की पक्का आएगा। तो 8 जो BRI हैं उसमें से कंट्री लाइक हाई रिस्क डेब्ट डिस्ट्रेस में जो BRI से लोन ले रखा है, जैसे बात करें जिसमें कंट्रीज कौन कौन से, जिबूती इंक्लूड है, लाओस, जिबूती में उन्होंने अपना एक सैनिक अड्डा खोला है, लाओस है, मालदीव है, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है विच द कंट्री हैव द डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी विद चाइना, तो जिबूती, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। चाइनाज का इनिशिएटिव देखो, हाई प्रोन माउंटिंग डेब्ट टू ट्रैप पॉलिसी बियॉन्ड 50% एंड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन देयर। आप समझो चाइनीज के इनिशिएटिव कौन कौन से, देखो जो पीला है ये येलो वाला दिख रहा है, ये सिल्क रोड का इकोनॉमिक डेब्ट है, ये मैरीटाइम है, अदर इकोनॉमिक रेलवे, कोयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, ये चाइना के हैं सारे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी समझो, ये दो टर्म है, ये कॉइन किया गया था इंडियन जियो स्ट्रेटजिस्ट ब्रह्मा चैलेंसी ने 2017 में, इंडिया के जियो स्ट्रेटजिस्ट हैं ये, इसका नाम है ब्रह्मा चैलेंसी, 2017 में इन्होंने इसको कॉइन किया। दिस टाइप ऑफ डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि भैया आप ऑफर कर रहे हो प्रोजेक्ट और लोन किसके कुछ टर्म्स बेसिक्स कंडीशंस पे, कुछ कंडीशंस पे, क्यों, बिकॉज एंड अप ऑफ बीइंग बाद में देखा जाएगा इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज टू रीपे। इसका मतलब है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का, कि आप ऑफर कर रहे हो प्रोजेक्ट, लोन, पैसा, मनी वगैरह वगैरह, बाद में क्या होगा, एंड अप ऑफ द टाइम इट बीइंग टू डिफिकल्ट टू कंट्रीज टू रीपे दैट डेब्ट, ये जो कर्जा आपको रीपे करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, एंड इवेंचुअली एट इज कंपेलिंग देम टू एक्सेप्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेशन। इसके बाद क्या होगा, आपको फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन देने पड़ेंगे चाइना को। अभी चाइना की बात हो रही है तो चाइना की बात करूँ, अगर आप किसी भी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी डिप्लोमेसी में फंसते हैं, तो आप किसी भी के साथ फंसते हैं, तो देन यू कैन नॉट बी बींग टू डिफिकल्ट एंड अप टू बैक एंड रीपे ऑफ दैट अमाउंट, सो दैट यू कैन फोर्सफुली एंड यू कैन फोर्सफुली टू एक्सेप्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड अदर स्ट्रेटेजिक कंसर्न एंड यू हैव टू कंसेशन ऑफ दीज एनवायरमेंट और कंसेशन ऑफ दीज पॉलिसीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। ये क्या है, ये डेवलप करता है नेशंस आर ऑफन बिकॉज ल्यूड बाई चाइनाज ऑफर, चाइना का ऑफर क्या है, इट हैव चीप लोन्स फॉर ट्रांसफॉर्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये बहुत सस्ता लोन प्रोवाइड करता है एंड विच रिक्वायर ए कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट, और रिक्वायर करता है कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट को। सो ये इसकी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है। सबसे बड़ी बात ये हमारे इंडियन जियो स्ट्रेटजिस्ट हैं ब्रह्मा चैलेंसी, इन्होंने 2017 में इसको कॉइन किया था। क्रिएशन कैसे हुआ ये समझो, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का, डेवलपिंग नेशंस आर ऑफन ल्यूड बाई चाइनीज ऑफर टू चीप लोन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उसके बाद दीज डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली क्या करेंगे, लो और मॉडल इनकम कंट्री होंगे, जिनके पास पैसे की कमी होगी वही तो लोन लेगा दोस्तों, और इट इज़ रिमेन इनकेपेबल ऑफ कैरिंग ऑन विद द रीपेमेंट्स, उसको क्या करेंगे ये रीपेमेंट करने में मुश्किल पड़ जाएगा, इसको इनकेपेबल हो जाएंगे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू डिमांड, अब उसके बाद जब चाइना डिमांड करेगा अपने कंसेशंस की, देन चाइना हैव द एडवांटेज टू एक्सचेंज फॉर डेब्ट रिलीफ, वो कंसेशन मांगेगा अपनी पॉलिसीज में, स्ट्रेटेजिक में, बहुत सारी चीज़ों में, दैट द पॉलिसी ऑफ चाइना एंड कंसेशन में इंक्लूड हैंडिंग ओवर कंट्रोल ऑफ स्टेट, यानी उस तरीके से अगर आप कंसेशन देंगे, इसका मतलब है कि आप अपने देश में किसी को घुसा रहे हैं कंसेशन देने, देन यू हैव टू कंट्रोल दैट स्ट्रेटेजिकल वैल्यू फैसिलिटीज एंड हैंडिंग ओवर दैट कंट्री, आप उसको अपने पोर्ट, नेचुरल रिसोर्स एंड लैंड वगैरह क्या कर रहे हैं उसके हाथ में दे रहे हैं। देन फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डोमिनेंस आएगा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे भैया, क्यों, क्योंकि आपका पॉलिटिकल एंड जो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाएगा, वो एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा हो जाएगा, जो कि क्या होगा, इट इज इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ऑफ इन डिटेड नेशंस। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। अदर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करो, ये समझो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है वो पूछ लेगा डायरेक्ट प्रीलिम्स में,
ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है? देखो एक इनिशिएटिव है जो गैदर करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट यूएससी, ब्लू डॉट नेटवर्क। ये क्या है? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, लाइक जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है एंड ट्रेड। ये वर्क करता है सर्टिफिकेशन बॉडी के तरह तौर पर, ये इवेल्यूएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। किसके लिए? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क क्या करता है? इट हैव इवेल्यूएट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन विद यूएस, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है सीडीआरआई कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है नेशनल गवर्नमेंट का यूएन एजेंसीज के साथ, यूएन प्रोग्राम के साथ, एंड एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो फाइनेंस मैकेनिज्म यानी कि फाइनेंस करता है प्राइवेट सेक्टर्स में, एंड नॉलेज जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एम करते हैं रेजिलेंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क पर। तो ये उनके किसके लिए? सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो सीडीआरआई क्या करता है? ये भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर क्या है? ये एशिया अफ्रीका का ग्रोथ कॉरिडोर है जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप करता है, एग्रीमेंट करता है इंडिया और जापान के बीच में। ये इंप्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी इन अफ्रीका विद इंडो जापान कोलैबोरेशन। ये इंडिया और जापान के कोलैबोरेशन से अफ्रीका के साथ क्या करता है? एशिया और अफ्रीका का दोस्तों क्या है? ग्रोथ कॉरिडोर है, समझना। ये डिजिटल कनेक्टिविटी करता है अफ्रीका का विद इंडो जापान कोलैबोरेशन। यूरोपियन यूनियंस न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी की बात करें, 2018 की बात करें, सितंबर में यूरोपीय यूनियन ने अडॉप्ट किया एक जॉइंट कम्युनिकेशन। क्या कनेक्ट करेंगे भैया? यूरोप और एशिया को, बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह हैं एंड यूरोपियन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो जो स्ट्रेटजी है इसने प्रपोज किया कि यूरोपीय यूनियन जो है एंगेज होगी कुछ एशियन पार्टनर्स के साथ, कैसे? उन्हें सस्टेनेबिलिटी लानी है, कॉम्प्रेंसिव करना है, रूल बेस्ड अप्रोच कनेक्टिविटी लानी है, एंड एक्सप्लॉइटिंग एग्जिस्टिंग एंड प्लान यूरोपीय यूनियन नेटवर्क को तैयार करना है। तो ये यूरोपीय यूनियन का फाइनेंशियल मैकेनिज्म था। ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, T10 पॉलिसी, ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये इम्प्लीमेंट करता है और डेवलपमेंट करता है यूरोप वाइड नेटवर्क में। जैसे जो यूरोप वाइड नेटवर्क है, रेलवे लाइन्स हैं, लंबे लंबे रोड, इनलैंड वाटरवे, मेरिटाइम शिपिंग रूट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड रेल रोड टर्मिनल्स में। यह है TENT, ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये सिर्फ यूरोपियन वाइड नेटवर्क में काम करता है दोस्तों। अब बात है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF। ये एक G20 कंट्रीज का इनिशिएटिव है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF G20 का एक इनिशिएटिव है जो ग्लोबल कोलाबरेट करते हैं, प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट करते हैं, बूस्ट करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल एरियाज, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। क्यों? जो डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग मार्केट हैं उसमें, किसमें? जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, लाइक इस तरीके से हैं उनमें, और जो इमर्जिंग मार्केट हैं। लास्ट है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि B3 बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप। ये बिल्ड बैक वाटर वर्ल्ड किया था G7 के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। ये न्यू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है, किसके द्वारा? मेजर डेमोक्रेसीज टू हेल्प नैरो द ओवर $40 trillion इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट नीड टू डेवलपिंग वर्ल्ड विच हैज़ बीन एग्जिग्रेटेड बाई द COVID-19। जो COVID-19 की वजह से, पैंडमिक की वजह से प्रॉब्लम में है, तो ये G7 का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है कि भैया वापस आ जाओ, वापस पटरी पर आ जाओ। तो ये क्या करेगा? बहुत सारी डेमोक्रेसीज के लिए हेल्प प्रोवाइड कराएगा ओवर $40 trillion इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे इनिशिएटिव थे जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की दोस्तों। ये क्या है? रिसेंटली देखा जाए तो सिप्री की 2021 रिपोर्ट आई है। सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021। इसने कहा भैया ओवरऑल न्यूक्लियर वॉरहेड जो है ग्लोबल मिलिट्री में रेज स्टॉक प्राइस नाउ अपीयर टू बी इंक्रीजिंग, इस समय बढ़ रहे हैं। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह वगैरह सारे अपने मस्त हैं और ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर वॉरहेड को बढ़ा रहे हैं। अब और समझो, इंडियन न्यूक्लियर वॉरहेड क्या है? ये इंक्रीज हो गया है 150 से, फ्रॉम 50 एट द स्टार्ट ऑफ 2020 में 156 हो गया एट द स्टार्ट ऑफ 2021 तक। 150 से 156 हो गए हैं जो 2021 में, जो कि 2022 में 150 थे। पाकिस्तान एंड चाइना ने भी बढ़ाया है, इज ऑल्सो इंक्रीज। रसिया और यूएस ने भी भैया किया कि ओवरऑल 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? इंडिया और रसिया के, और फिर भी ये बढ़ा रहे हैं, ये कमाल के लोग हैं सब। व्हाट इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या है? ये एक ट्रीटी थी समझो, ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी। इसका मतलब था कि भैया आपको रिड्यूस करना है और एलिमिनेट करना है। रिड्यूस एलिमिनेट का मतलब समझ रहे हैं आपको, आपको ख़त्म करना है, कमिंग कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो मेरे हिसाब से तो न्यूक्लियर वेपन्स को। और इसका जो एम्स था
कि जो स्टेट है उन्हें अचीव करना है, उसका एम था अचीव करना कि जो वेयर न्यूक्लियर वेपन्स आर एलिमिनेटेड, पूरी तरीके से एलिमिनेट करो। एंड डी न्यूक्लियराइजेशन इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस लीडिंग टू कम्प्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। कम्प्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात कर रहा है दोस्तों। अब यूएन ने क्या किया, यूएन सॉट टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स, फर्स्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया यूएन जनरल असेंबली ने 1946 में। इट्स वॉन्ट टू बी एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स एंड द फर्स्ट रेजोल्यूशन टू बी अडॉप्टेड बाई द यू एन जी ई इन 1946। कुछ इनिशिएटिव हैं अचीव न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के, समझो कुछ स्टेप्स टेकन लिए गए। देखो एक ट्रेटी थी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन, ये ट्रेटी थी, ये मैंडेट ऑफ द ट्रेटी थी, यानी मैंडेट थी ये ट्रेटी, आपको ये करना ही है। दूसरी थी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रेटी पीटीबीटी 1963। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी क्या करती थी, देखो मिलान करने के लिए मैचिंग के लिए आ सकता है, दे देगा और आपके सामने ऑप्शन दे देगा कि इसको इससे मिलाओ कि ये कौन सी ट्रीटी क्या करती है, तो विशेषकर ध्यान देके जाना। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी 1963 ये भैया न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को ही प्रोहिबिट करती है, आप न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग ही नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एटमोसफेयर आउटर स्पेस या अंडर वाटर करोगे तो ये क्या करेगा, ये जो एरिया है स्टेट टेरिटरी का ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियो एक्टिवली फैल जाएंगे इसमें, एंड जो स्टेट टेरिटरी है वो क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। दूसरी है एनपीटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑन द एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1970 की ट्रीटी है, या इसको हायर की मान सकता है कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी एंड एनपीटी ट्रीटी, आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इनको लगाओ। तो भैया आपको डेटी याद नहीं होगी तो लगाओगे कैसे, इसलिए याद रखो एनपीटी 1970 की बात है। ये भी प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, या आराम से शांतिपूर्वक करो ना न्यूक्लियर एनर्जी यूज, मूव करता है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की। ये क्या है, इट्स ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट एंड ए मल्टीलेटरल ट्रीटी टू द गोल ऑफ डिसआर्ममेंट बाय द न्यूक्लियर, ये क्या है एनपीटी, ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट है ये भैया, आप एनपीटी ज्वाइन करो तो आप बाइंड हो इसके प्रति, अगर एनपीटी ज्वाइन नहीं करो तो अलग बात है, बट ये बाइंडिंग है। अब बात करते हैं सीटीबीटी, इनकी कॉम्प्रेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की, ये क्या इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये भी बैन करता है ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स पे, क्योंकि इन्वायरमेंट्स में आप नहीं कर सकते हो। ये सिग्नेच किया था 1996 में बाय द न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट के द्वारा, इसको क्या किया गया था, न्यूक्लियर स्टेट्स ओपन किया गया था, इट ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1996। उसके बाद ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन TPNW, ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन्स को, ये टोटली इन्हीं एलिमिनेशन को क्या करता है, लीड करता है। इट इंक्लूड्स ए कॉम्प्रेहेंसिव सेट ऑफ प्रोविजन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटी विद इंक्लूड डेवलप टेस्ट प्रोड्यूस एक्वायर पजेस स्टॉक पाइल यूज और थ्रेटन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये फोर्स में आया 21 जनवरी 2021 से, इट्स एंटर इन टू फोर्स ऑन 21 जनवरी 2021। तो ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर बैन, ये समझो ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अभी लेके आए हैं 2021 में, ये प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर वेपन लीडिंग टुवर्ड द टोटल एनिमेशन, एंड ये इंक्लूड करता है कॉम्प्रेहेंसिव सेट ऑफ प्रोविजन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन, अगर आप ये भी बर्जन था कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज में, वेपन एक्टिविटीज में, जो अंडरटेक करता है टू डेवलप टेस्ट प्रोड्यूस एक्वायर पजेस स्टॉक पाइल यूज और थ्रेटन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, एंटर इन टू फोर्स 21 जनवरी 2021 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीटी समझो, नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम समझो, नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है ये ऑब्लाइंग है नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट पे जो नेवर एक्वायर करेंगे देम द एक्सेप्ट फुल स्कोप सेफगार्ड। डिसआर्ममेंट का मतलब है फाइव कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन्स लाइक यूएस चाइना फ्रांस सोवियत यूनियन द यूके टू नेगोशिएट द रिडक्शन एंड इवेंचुअल एलिमिनेशन ऑफ देयर न्यूक्लियर वेपन्स। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है इस गारंटिंग नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट फुल एक्सेस टू पीसफुल एप्लीकेशन टू न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के लिए। इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट में, इंडिया हैज बीन ऑलवेज अर्डेंट सपोर्ट ऑफ मल्टीलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ये हर समय हमेशा सपोर्ट किया है, एंड नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट को इसने हमेशा लागू करने की कोशिश की है। अब समझो इंडिया रोल इन यूनिवर्सल कंप्लीट टू द डिसआर्ममेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्ममेंट, देखो डिसआर्ममेंट कमेटी तैयार करेंगे, ये इंडिया का रोल क्या है, यूनिवर्सल कंप्लीट एंड नॉन डिसआर्ममेंट डिसआर्ममेंट। नंबर एक डिसआर्ममेंट कमेटी होगी जो एडवोकेट करेगी फॉर डी लिंकिंग डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन के लिए। इंडिया एनपीटी क्या है, इंडिया अपोज टू द साइन द एनपीटी, इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया इसका पोजीशन में। कॉम्प्रेहेंसिव डिसआर्ममेंट क्या है,
इसने प्रपोज किया कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। उसके बाद इंडिया ने CTBT किया, इंडिया हैज नॉट साइंड द CTBT कॉम्प्रेंसिव ट्रीटी, बैन ट्रीटी को भी इंडिया ने साइन किया नहीं किया यार। NPT नॉन प्रोफेशन ट्रीटी को भी इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया एंड जो 2021 में आई ATPNW नॉट ए कॉम्प्रेंसिव इंस्ट्रूमेंट सो अपोज इट। ये कॉम्प्रेंसिव इंस्ट्रूमेंट लिए सबके लिए नहीं, तो इंडिया इसका भी अपोज कर रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट की बात करें तो सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन फोरम, ये कॉन्फ्रेंस है सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन फोरम है दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, हो जा सकता है दोस्तों कि इंडिया इज द साइनिंग है, इंडिया हैज साइन टू रेटिफाई द ट्रीटी ऑफ NPT, इंडिया हैज नॉट, इंडिया इज द साइन द CTBT एंड इंडिया इज ऑल्सो द साइन द TPNW। तो इंडिया इन तीनों ट्रीटी में से किसी का भी साइन नहीं किया है और ना ही रेटिफाइड किया है दोस्तों, ठीक है। नॉट ए क्यू TPNW की बात करें टोटली क्या था ये TPNW का मतलब है ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन TPNW, ये भी क्या है, ये कॉम्प्रेंसिव बेस नहीं है, ये कॉम्प्रेंसिव बेस पे नहीं है, ये कॉम्प्रेंसिव इंस्ट्रूमेंट इसमें न्यूक्लियर नहीं है, एज नहीं है, सो अपोज कर रहा है इंडिया इसका, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट समझो क्या है, 1979 में इसको कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट को 1979 में इसको फॉर्म किया गया था। ये सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन फोरम है जो इंटरनेशनली कम्युनिटी आफ्टर एग्रीमेंट वाज रीच्ड अमंग मेंबर स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्पेशल सेशन ऑफ द UNG डिवोट टू डिसआर्ममेंट 1978। कंक्लूजन देखा जाए तो नेगोशिएट करने का तो CTBT था 1996 में एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट रिमेन्स डेडलॉक एंड हैज नॉट बीन एबल टू रीच कॉन्शियस ऑन ए प्रोग्राम ऑफ वर्क एंड दस टू कॉमर्स सब्सटेंटिव डेलीबरेशन दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन समझो इज इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट एंड नो फर्स्ट यूज, इसका पोस्चर है कि पहले यूज नहीं करेंगे हम दोस्तों, इंडिया पॉलिसी पर काम करता है। न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज इन रिटेलिएशन अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया, हम इसलिए बना रहे हैं कि भैया रिटेलिएशन करना पड़ गया हमें तो किसी ने अटैक कर दिया तो। न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू ए फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट एन एक्सेप्टेबल डैमेज या अनएक्सेप्टेबल डैमेज करेगा, और इसका नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट होना चाहिए, कंटिन्यू करना कमिटमेंट द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड, भैया न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड बनना चाहिए बिकॉज ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होना चाहिए पूरा वर्ल्ड। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, वी हैव नो फर्स्ट यूज बट वी हैव टू बी यूज इन रिटेलिएशन अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक ऑफ इंडिया। सो दैट्स ऑल अबाउट पॉलिसी न्यूक्लियर पॉलिसी न्यूक्लियर के बारे में है कि कौन कौन कितना कितना न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है दोस्तों, ठीक है। इंडिया का सिविल एविएशन न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी गाइस अब ये थोड़ा दो टॉपिक बचे इनको भी कंप्लीट करते हैं। इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन की बात हो रही है, रिसेंटली अगर देखा जाए रशिया के साथ रशियन न्यूक्लियर मेजर, इसका नाम है रोसाटोम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूज़ में आ सकता है, रोसाटोम ने स्टार्ट किया है कि भैया इट्स बिगेन कंस्ट्रक्शन कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो NPPA हमारा यूनिट है, पाँच यूनिट है ये, कॉपरेशन विद द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर एक PSU है, ठीक है। रशियन न्यूक्लियर मेजर जो है रोसाटोम जो रशिया का है, इसने बिगिन कंस्ट्रक्शन किया है ऑफ किसमें, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कि यूनिट 5 है उसमें एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर एक PSU है, कौन NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसके कॉपरेशन थे। अबाउट इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर की बात करें, इंडिया है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद 14 कंट्रीज के साथ, हमारे 14 कंट्रीज के साथ इंडिया के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, नंबर एक अर्जेंटीना, नंबर दो ऑस्ट्रेलिया, नंबर तीन कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, UK और US एंड वियतनाम, चाइना के साथ नहीं है दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के साथ नहीं है इधर, नेपाल और श्रीलंका के साथ नहीं है हमारे एशिया में साउथ एशिया में दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 14 कंट्रीज के साथ हमारे क्या है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, एंड इसके बावजूद भी दोस्तों है क्या, 14 कंट्रीज के साथ नहीं है, इसके बावजूद भी इंडिया नॉट बीइंग ए सिग्नेटरी टू द NPT, उसके बावजूद भी इंडिया जो मैंने ऊपर भी बताया है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और CTBT और 2021 को, एंड इसके बावजूद भी दोस्तों इंडिया NPT CTBT और TPN ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ मतलब न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इसका क्या है साइन नहीं किया, मेंबर नहीं है, इसका क्या है इट इज़ नॉट ए सिग्नेटरी फॉर इंडिया। ये तीनों जो ट्रीटी हैं जो ये ट्रीटी 21 जनवरी 2021 को अभी आई है दोस्तों, अभी
एनरोल्ड हुई है दोस्तों TPNW, ठीक है। तो इसका इंडिया मेंबर नहीं है, यानी कि सिग्नेटरी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑपरेटिंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। ये क्योंकि नेशनल सप्लायर ग्रुप से ऑपरेट बाहर है। सॉरी गाइस, थोड़ा एक्टिंग हो गया। तो देखो समझो, ये क्या है, ये सेंट्रल टेंडर ऑफ द दिस एग्रीमेंट द फोकस ऑन द, ये फोकस है इनका पीसफुल पर्पज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। भैया पीसफुल पर्पज के लिए न्यूक्लियर पावर तैयार करो, विच इंटेल द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मटेरियल, इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह, रिसर्च में, जनरेशन में, मेडिसिन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। इसके लिए आपको ये टेस्ट करनी चाहिए, इसके लिए आपको ये एग्रीमेंट्स करनी चाहिए। बट इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि सेल्फ मॉरेटोरियम ऑन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर द सेकंड राउंड ऑफ पोखरण इन 1998, सेकंड राउंड 1998 में हुआ था पोखरण का। इट अबाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द NPT, किसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ NPT द्वारा, फॉर बेटर देन इवन सम ऑफ हिज सिग्नेटरीज। इंडिया थ्री स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम विच हैज बेस्ड क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। तीन स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है इंडिया का, जो कि बेस्ड है किस पर, क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पर। देखो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, तीन स्टेज में है, नंबर एक है, नंबर दो, नंबर तीन। पहली स्टेज क्या है, नेचुरल यूरेनियम जो होगा, इट इज़ फ्यूल्ड प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स। नेचुरल यूरेनियम है, उसको क्या करेंगे, फ्यूल करेंगे किसमें, PHWR में, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में। दूसरे में क्या है, फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर्स हैं, यूटिलाइजिंग प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल। सेकेंड स्टेज में प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल को क्या करेगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूटिलाइज करेगा। तीसरा स्टेज है जिसे एडवांस स्टेज बोलते हैं, जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम, किसके लिए, थोरियम के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। देखो ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया की बात करो, ये समझो सारे प्लांट्स हैं इंडिया में, ये इंडिया का मैप है, आप समझ सकते हो। देखो ये नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है जहाँ का मैं हूँ, न्यू दिल्ली से बाद में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये UP में पड़ता है। ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कोटा में पड़ता है राजस्थान में। ये काकरपारा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो गुजरात में पड़ता है, सूरत से ऊपर है 9500 किलोमीटर। महाराष्ट्र में पड़ता है ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कैगा है जनरेटिंग स्टेशन, उत्तराखंड कर्नाटका में कैगा पड़ता है। और ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसे रसिया के रोस्टम के साथ बनाया जा रहा है, ये तमिलनाडु में है। और ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी तमिलनाडु में है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि प्लांट हैं इंडिया में दोस्तों, ठीक है। तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात प्लांट्स की बात हो रही है इस समय, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो गिन सकते हो। इंडिया का थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था मैंने बताया। देखो आप NSD के बारे में समझो, NPT मैंने पूरा बताया, NPT को 1970 में लेके आए थे, NSD को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि एक रिजल्ट था सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टिंग बाय इंडिया एंड ऑपरेशनिंग स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण फर्स्ट, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया 1974 में, इसका जो कंडक्शन था ऑपरेशन किया इंडिया ने, कौन कौन से, ऑपरेशन बुद्धा और ऑपरेशन पोखरण, पोखरण फर्स्ट। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज जो न्यूक्लियर सप्लाई करते हैं, दैट सीक्स टू कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट करना नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइन फॉर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट। ये उनके लिए गाइडलाइन तैयार कराएंगे जो इम्प्लीमेंट करते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट का। और इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इंडिया इज येट टू द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इंडिया अभी तक मेंबर नहीं है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का, NPT का, CTBT का और TPNW का, ठीक है। इंडिया के थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, आप समझो होमी बाबा उन्होंने विजन किया, भैया उन्होंने बहुत लंबा विजन देखा कि इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है तीन स्टेज होगा लो यूरेनियम रिसोर्स प्रोफाइल पे। आप यार देख सकते हो कैसे है, तीनों स्टेज का ऐसे पूछेगा नहीं UPSC, फिर भी देख लेना। पी फुल फास्ट ब्रीडर्स है। अब देखो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय एक नई बॉडी बनी थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो चेयर करेंगे एक मीटर विद द वाइस चीफ ऑफ द थ्री सर्विस एमक, जो वाइस चीफ हैं जो तीनों सर्विस के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के। द बैकड्रॉप ऑफ द कंसर्न अबाउट द प्रपोज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में, ठीक है। करंट सिस्टम ऑफ मिलिट्री कमांड की बात करें इंडिया की, तो 1947 में द तीन सर्विस थी हैव बीन फंक्शनिंग सेपरेटली, तीनों अलग, इनके बीच में कॉपरेशन था, बिटवीन दैम नो इंटीग्रेशन पर से। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ईच हैज़ मल्टीपल कमांड दैट आर वर्टिकल स्प्लिट इन टर्म्स ऑफ देयर कमांड स्ट्रक्चर। 17 सिंगल सर्विस कमांड थी इनकी, 7 थी आर्मी की दोस्तों, 7 आर्मी की थी, ठीक है। एंड द एयरफोर्स ईच एंड 3 ऑफ द नेवी, 3 एच की थी एयरफोर्स ईच एंड 2 वेस्टेज द डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज की थी, तो ठीक है दोस्तों। अब अपार्ट फ्रॉम दीज देखा जाए, देर आर ट्राई सर्विस कमांड, ट्राई सर्विस कमांड जो है अंडमान निकोबार कमांड है, एंड द तीन सर्विस कमांड है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड FC और न्यूक्लियर एसेट्स। ये इसके बावजूद तीन ट्राई सर्विस कमांड है, नंबर एक अंडमान निकोबार कमांड ANC एंड द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC और न्यूक्लियर एसेट्स। और दूसरा क्या, देर आर फोर ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन, चार हैं, नंबर एक
डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी और आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशंस आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन EPSO। ये क्या है, ये डिवीजन है, ऑपरेशन डिवीजन है। ये 2019 में एस्टेब्लिश किया, कब 2019 में इनको एस्टेब्लिश किया। देयर फोर ट्राई सर्विस फंक्शंस सॉरी इंस्टीट्यूशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी एंड आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को एस्टेब्लिश किया गया 2019 में दोस्तों। अब देखो डिफ्यूज स्ट्रेंथ क्या है, देखो नॉर्थ कमांड है ये, देखो मेंटेनेंस कमांड नागपुर, सदर्न कमांड पुणे, ये देख सकते हो 17th एग्जिस्टिंग कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स की समझो। यहाँ पे ईस्टर्न कमांड है शिलोंग में, ईस्टर्न कमांड एक कोलकाता में भी है समझ लो, ये कमांड है ठीक है, और एक कमांड पुणे में भी है, और नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, वेस्टर्न कमांड ठीक है चंदी मंदिर में, वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली में, साउथ वेस्टर्न जयपुर में देख सकते हो। और ये थ्री नेवल कमांड देखो, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापटना, अंडमान नेवल कमांड ट्राई सर्विस पोर्ट ब्लेयर, सदर्न नेवल कमांड कोच्ची में, ये तिरुवनंतपुरम। तो डिफ्यूज स्ट्रेंथ इसकी देख सकते हो। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करें अबाउट ये समझो, नॉर्दर्न वेस्टर्न ईस्टर्न एयर डिफेंस कमांड, मैरीटाइम थिएटर कमांड, लॉजिस्टिक कमांड। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो कमांड है थिएटर विल बी हेडेड बाई आर्मी जनरल्स, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न है ये दोनों वाली जो होंगी वो किसके द्वारा हेड होंगी, आर्मी जनरल के द्वारा, विद द सीनियर थ्री स्टार एयर कॉम्पोनेंट कमांडर्स अंडर देम, एंड द एयर डिफेंस कमांड विल बी लेड बाई ए टॉप थ्री स्टार IAF ऑफिसर, एंड द मैरीटाइम थिएटर कमांड टू बी टॉप वाइस एडमिरल, मैरीटाइम को टॉप वाइस करेगा और एयर डिफेंस कमांड इसको कौन करेगा, एयर डिफेंस कमांड को लेड करेंगे थ्री स्टार IAF इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स ठीक है। अब समझो इनके बारे में क्या है, ये लास्ट टॉपिक है आज का दोस्तों, इवन IR का क्या है। थिएटर कमांड जो है यूनिफाइड कमांड ऑफ ए थ्री सर्विस अंडर ए सिंगल कमांडर फॉर जियोग्राफिकल थिएटर दैट आर सिक्योरिटी ऑफ कंसर्न, द कमांड ऑफ सच फोर्स विल बी एबल टू ब्रिंग टू बियर ऑल रिसोर्स टू हिज डिस्पोजल फ्रॉम द IAF आर्मी एंड द न्यू विद द सीमलेस एफिशिएंसी ठीक है। आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करें, इट हैज बीन प्रपोज, ये प्रपोज किया गया था बोथ द कारगिल रिव्यू कमेटी एज वेल एज DB साकेटकर कमेटी, इस इंपॉर्टेंट है दोनों कमेटियाँ, यानी कि अगर बात करें आइडिया ऑफ थिएटर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ITC का जो आइडिया था दोस्तों, कारगिल रिव्यू कमेटी और DB साटकर कमेटी दोनों के द्वारा क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। बट बात करें साकेटकर कमेटी 2016 में, ये पूछा जा सकता है आपसे, साकेटकर कमेटी ने 2016 में रिकमेंड किया तीन और नई कमांड बनाने का, थ्री इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का साकेटकर कमेटी ने 2016 में प्रपोज किया, इसको रिकमेंड किया। नंबर एक नॉर्दर्न कमांड होना चाहिए चाइना बॉर्डर पर, नंबर दो वेस्टर्न कमांड होना चाहिए पाकिस्तान बॉर्डर पर, नंबर तीन सदर्न कमांड होना चाहिए कहाँ पर, मैरीटाइम बॉर्डर पर। तो तीन कमांड बनाने के लिए साकेटकर कमेटी ने 2016 में रिकमेंडेशन दी ठीक है दोस्तों। अब देखो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझो पहले, नीचे भी समझो पहले क्या है, नीचे देखते हैं क्या है। देखो करंट अगर बात करें करंट थिएटर थिएटर एसोसिएशन की बात करें, मॉडल अंडर कंसिडरेशन टू एटलीस्ट 6 न्यू इंटीग्रेटेड कमांड्स, कितनी 6 नई हैं। जो थिएटराइजेशन मॉडल है इन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉल बैक और करंट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरह है। इंडिया चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैज बीन गिवन द मैंडेट टू स्टीयर द थिएटराइजेशन ड्राइव एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट जॉइनिंग अमंग द थ्री सर्विस वुड बी रोल आउट बाई 2023। उन्होंने कहा भैया 2023 तक इसको रोल आउट किया जाएगा और आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो इनमें से ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑन मैप, अब देखो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बताऊंगा मैप पे, पहले यहाँ समझो ये क्या है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन अदर कंट्रीज, मोर देन 32 कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑलरेडी हैव सम फ्रॉम द थिएटर कमांड या जॉइंट कमांड है। US हैज़ फर्स्ट टू कम अप विद ए थिएटर कमांड सिस्टम, US पहला था, उसके बाद चाइना में भी है। नाउ 6 जियोग्राफिकल एंड 4 फंक्शनल कमांड है USA में, रसिया इज ऑल्सो हैव कंसर्निंग दैट, इन्होंने 2008 में फोर्स किया है, नाउ क्रिएटेड 4 थिएटर कमांड, इसकी 4 थिएटर कमांड है रसिया की, ये दूसरे देशों की बात हो रही थी दोस्तों ठीक है। अब देखो रिलेशन समझो इंडिया के मैप पर क्या है, देखो इंडिया का जो रिलेशन है सबसे पहले चाइना से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है तियानमन स्क्वायर ऑल्सो नोन एज जून फोर्थ इंसिडेंट बोला था, रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोटेक्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशन इन बीजिंग चाइना बाई गवर्नमेंट थ्रू मिलिट्री सप्रेशन। जो तियानमन स्क्वायर चाइना का है, इसको जाना जाता है क्या, जून का फोर्थ इंसिडेंट है जो कल्मिनेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जिसको जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उसके प्रति। बैरन आइलैंड इंडिया कोस्ट गार्ड हैज एप्रिहेंडेड
4 म्यामेरी पोचर्स फिशिंग इलीगली इन इंडिया वाटर ऑफ बैरन आइलैंड। ये जो बैरन आइलैंड है, इंडिया का कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे क्या देखा कि 4 म्यामीर जो म्यांमार के जो पोचर थे, यानी जो पोच कर रहे थे फिशिंग को, इलीगली कर रहे थे इंडियन के इंडिया वाटर में ऑफ बैरन आइलैंड पर। कहाँ पर? बैरन आइलैंड दोस्तों, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रेटल ऑफ देखा जाए तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर चिनाब इज बिंग अपोज बाई पाकिस्तान। तो ये देखा जाए हाइड्रोलॉजिकल एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है एक रेटल, जिसका नाम है रेटल, जो कि चिनाब नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसका पाकिस्तान अपोज कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ये चिनाब नदी पर है। साउथ चाइना सी की बात करें दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो ना, क्योंकि आपको सही से दिखे। साउथ चाइना सी में क्या, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर ये है, इट हैज़ ए टास्क ग्रुप रिसेंटली कंडक्टेड एन एक्सरसाइज ऑफ साउथ चाइना सी। तो चाइना का जो एयरक्राफ्ट है इसने कंडक्ट किया एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में। एक्सरसाइज और न्यूज़ में कौन कौन सी हैं, देखो इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है, एंड यूनो वेफॉर इंडिया एंड यू नवल फोर्स इन गल्फ ऑफ अदान, ऑपरेशन सागर आरा स्कल्स है इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज हुए हैं जो न्यूज़ में, इंडियो थाई कॉर्पोरेशन थाईलैंड के साथ और इंडिया के साथ, एंड यूरोपीय नवल एक्सरसाइज है ये फॉर इंडिया एंड यूरोपीय नवल फोर्सेज के साथ गल्फ ऑफ अदान में, ऑपरेशन सागर अरक साल है इंडिया श्रीलंका के बीच में, ऑपरेशन सागर अरक साल है इंडिया और उसके बीच में, ये किस लिए है ये ध्यान रखना। ईरान का क्या है, इंडिया हैज़ लॉस्ट द ONGC विदेश लिमिटेड, बिकॉज इंडिया ने ONGC विदेश लिमिटेड को लॉस कर दिया। डिस्कवर्ड ऑफशोर फेज फ्रेश बाई बी गैस द पर्शियन गल्फ, जो पर्शियन गल्फ में क्या करता था ये ऑफशोर फ्रेश बी गैस को डिस्कवर कर रहा था नामीबिया के साथ। क्या है, रिसेंटली जर्मनी ने अपोलोजाइज किया है, भैया क्या अपोलॉजी किया, इस रोल इन द स्लॉटर ऑफ हेरारो एंड नामा ट्राइब्स पीपल इन नामीबिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नामीबिया में जर्मनी ने अपोलॉज किया है कि जो स्लॉटर ऑफ हेरारो एक ट्राइब है नामीबिया की, हेरारो और नामा दोनों ट्राइब हैं इंपॉर्टेंट, जिनका क्या किया जर्मनी ने स्लॉटर हुआ है इथियोपिया के साथ, इनकी एट्रोसिटीज फ्रॉम टाइगर रीजन, जो टाइगर रीजन है। USA हैज़ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस टू इथियोपिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बुर्किना फासो की बात करें हम, तो बुर्किना फासो के साथ क्या है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुआ, द प्रपोजिशन ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस पीपल इन द कंट्री द राइजिंग मैनफील्ड, माली के साथ माली सपाटे कूप एंड ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वॉर अरेस्टेड बाई मिलिट्री, माली में भी कूप लेके आए हैं म्यांमार की तरह मिलिट्री द्वारा। डोमिनिका में क्या है, एक कोर्ट इन डोमिनिका हैज रिस्ट्रेन अथॉरिटीज फ्रॉम डिपोर्टिंग फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेस मेहल चौस्की, तो डोमिनिका ने कहा कि भैया जो मेहल चौस्की है उसको हम डिपोर्ट नहीं करेंगे, उसको रोक दिया है, उन्होंने मना कर दिया, जो बिजनेस मैन मेहल चौस्की है जिसने हमारा पैसा लेके भाग लिया, मार दो सारों को, तोड़ दो उनको, तो सॉरी गाइस गाली नहीं देनी चाहिए। इसराइल के साथ इसे स्टैम्पेड एंड द रिलीजियस फेस्टिवल लाइक लैग बी ओमेर, इसके साथ अल्बानिया, नाटो रिसेंटली लॉन्च द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन अल्बानिया कॉल द डिफेंडर यूरोप 21, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंडर यूरोप 21 अल्बानिया और नाटो के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ ब्लैक सी, रशिया ने फायर किया है वार्निंग शॉट्स एट ब्रिटिश डिस्ट्रॉय इन ब्लैक सी, ठीक है दोस्तों। बेलारूस यूके है जॉइंट यूएस एंड अदर कंट्रीज इन इम्पोजिंग फ्रेश सेंक्शंस ऑन बेलारूस आफ्टर द डिटेंशन ऑफ एन अपोजिशन जर्नलिस्ट, ये बेलारूस के साथ है सेंक्शंस। अफगानिस्तान ने तालिबान कैप्चर्ड डहला डैम को तालिबान ने कैप्चर कर लिया, जो प्राइमरी सोर्स है इरीगेशन ऑफ कंधार प्रोविंस का, तो दहला डैम है उसको तालिबान ने कैप्चर कर लिया। किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, एक सीज फायर हुआ है ऑन द बॉर्डर बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान एंड इन्होंने आफ्टर इंटेंस क्लैशेज, उन्होंने अपने कैंस को रिसेंटली इंटेंस कर लिया दोस्तों। तो ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस थे जो मैप पर हैं, किस किस के बीच क्या क्या हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट IR इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात करेंगे नेक्स्ट, उसमें क्या क्या है सुनाओ। इट्स ऑल अबाउट PT 365 का अपडेट वर्जन सेकेंड, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट डू व्हाटएवर, प्लीज़ करते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, गला सूख जाता है कई बार। सुनाओ, कीप वॉचिंग एंड बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, लव यू ऑल गाइज़।